friends, and how are you doing today? You're watching YouTube channel Ramanals Coaching, and I'm your IELTS expert Ramandeep Singh, and this video is Do Not Try to Attempt the IELTS exam in the month of September. Why I'm saying so, this video will come up with the explanation, but before we start today's video, I would like to make a humble request that if you are not a subscriber of this channel, please do it, subscribe it now and press the like button and leave some comments for me if you like the video. It may sound absurd to you ke September mein exam kyun nahi dena hai, September mein aisa kya hoga, but I have a very reasonable explanation for the same. जो स्टूडेंट्स आयल के एग्ज़ाम पैटर्न से थोड़े फेमिलियर हैं या मैं कहूँ कि कुछ टाइम से आयल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे नो द रीज़न वाई, बट जितने भी नए स्टूडेंट हैं दे माइट नॉट बी श्योर अबाउट द सेम थिंग कि आयल्स के पैटर्न में कुछ मंथ्स के बाद एक सर्टेन चेंज आती है, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट आयल स्पीकिंग और स्पीकिंग में आयल्स क्यू कार्ड्स, जनवरी टिल अप्रैल और उसके बाद आते हैं मई टिल अगस्त, और जो कि अगस्त मंथ आने वाला है, और उसके बाद सितंबर टिल दिसंबर नए क्यू कार्ड्स आ जाएंगे. नए क्यू कार्ड्स का आने का मतलब ये है कि पुराने जो क्यू कार्ड्स चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इनमें से कुछ 25-30 एलिमिनेट हो जाएंगे और 25-30 नए क्यू कार्ड एंटर हो जाएंगे. अगर आपके लिए स्पीकिंग एक चैलेंज है, अगर आपको स्पीकिंग टेस्ट से कंपैरेटिव टू दी अदर मॉड्यूल्स डर लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है और अगले एक महीने तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, देन सेकेंड हाफ ऑफ दी अगस्त मंथ रादर, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि 15 अगस्त के बाद आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे तभी से नए क्यू कार्ड्स पूछे जाना शुरू हो जाएंगे. जो भी ये कमेंट करने वाले हैं ना कि कब आते हैं, तो इस सेक्शन को मिस मत करिएगा. बार बार आप कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछते हैं, बेटर ये है कि आपको ही बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. 15 अगस्त के बाद वेरी वेरी हाई चांसेस के आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम के दौरान आपसे सेप्टेम्बर वाले नए क्यू कार्ड्स पूछे जाना शुरू हो जाएंगे, और ये आपको 1st और 10th of September तक पूछे जाते हैं. और सभी स्टूडेंट के लिए सरप्राइज एलिमेंट जरूर रहेगा, क्योंकि रेंडमली उनसे ऐसा क्यू कार्ड पूछा जा सकता है जो उन्होंने अपनी क्लासरूम में प्रिपेयर नहीं किया है. सो 10th of September के बाद तकरीबन सारी लिस्ट क्लियर हो जाती है. और यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, और वो ये है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आयल्स स्पीकिंग बूस्टर बाय कर रखी है. आपको कोई चिंता नहीं है कि एग्ज़ाम आप कब देने जा रहे हैं, कब नए क्यू कार्ड आएंगे, क्योंकि द ब्यूटी ऑफ अवर स्पीकिंग बूस्टर इज़ दैट कि उसमें सारे क्यू कार्ड जैसे ही आपसे एग्जामिनर पूछता है, स्टूडेंट हमें बताता है, नया क्यू कार्ड आपके लिए अपलोड हो जाता है आयल्स स्पीकिंग बूस्टर में. एट द सेम टाइम यू नो कि हम आपके लिए YouTube पर भी नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन फॉलो अप, इंट्रोस, ईच एंड एवरीथिंग कम्प्लीटली सॉल्व तो आपको आयल्स स्पीकिंग बूस्टर में मिलती है. और दूसरी चीज़ ये है कि जिसने जब भी आयल्स स्पीकिंग बूस्टर बाय किया उसे मिला ये बुक 6 months वैलिडिटी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर मंथ ऑफ जून में बाय किया, उसने किसी ने अप्रैल के मंथ में भी बाय किया हो सकता है, या आप आज बाय करेंगे, तो आपके लिए डेट ऑफ परचेज से लेके 6 months तक की वैलिडिटी रहती है, ताकि इन बिटवीन अगर कोई भी आयल स्पीकिंग पैटर्न में या एग्ज़ाम में या उसके कंटेंट में कोई भी चेंज आए, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी वन टाइम पेमेंट आपको फॉर द नेक्स्ट 6 months सेफ गार्ड कर रही है. तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक बार यही कहना चाहूँगा कि अगर तो आप सेप्टेम्बर के 1st week या अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आयल स्पीकिंग आपका एक वीकनेस है या आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा. लेकिन अगर आप फिर भी देने के लिए एडमेंट हैं, तो मेक श्योर के आयल स्पीकिंग बूस्टर आपने ज़रूर अनलॉक कर रखे हैं. और रमनाल्स कोचिंग चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, प्रेफर टू बुक द आयल्स एग्जाम इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू बी सुपर श्योर के आपने वो सभी नए क्यू कार्ड या नया सारा कॉन्टेंट प्रिपेयर कर लिया है बिफोर द एक्चुअल एग्जाम. This is very much all in this video, my dear friends, and now take care of yourself. Bye bye for now. मेरा नाम गुरविंदर पाल कौर है. मैं IELTS करन दे लई YouTube तो काफी सारे जेडे ट्रेनर सी उन्हां नु फॉलो कीता, ता उन्हां विचों मैं रमन सर दी वीडियोस नु सुनया,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਮਨ ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਥੈਂਕਸ।